वी नीड टू टॉक। सो आपको इस वीडियो के टाइटल से पता ही चला होगा कि आई एम गोइंग ऑफ यूट्यूब। नो गॉड प्लीज नो नो, नहीं मैं परमानेंटली नहीं ऑफ जा रही हूँ। ऑफ कोर्स आई विल नॉट लीव यू गाइज लाइक दैट। मैं एक टेम्पररी ब्रेक ले रही हूँ यूट्यूब से एंड लेट मी टेल यू व्हाई। सो पास 3-4 दिन से मैं यहाँ विजयवाड़ा में हूँ जहाँ पे मैं विमेन्स सीनियर चैलेंजर ट्रॉफी पे कमेंट्री कर रही हूँ। बहुत मजा आ रहा है, इट्स अ वेरी वंडरफुल असाइनमेंट। मुझे यहाँ पे पहली बार काफी नए एक्सपीरियंसेस मिले हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल फाइंडिंग आउट दैट आई वॉज गोइंग टू डू माई फर्स्ट टॉस, और मैंने फर्स्ट टॉस अपना किया। बहुत नर्वस थी, मेरे पैर कांप रहे थे, बट लकीली आई डिड नॉट लेट इट शो एंड आई गॉट थ्रू इट वेल। ये चल रहा है फिलहाल। बिसाइड्स यूट्यूब, यू गाइज विल नो कि मैं और भी बहुत कुछ करती हूँ। मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ मेंस वुमेन्स क्रिकेट, बाकी स्पोर्ट्स पे, हिंदुस्तान टाइम्स के लिए, क्रिक बज के लिए, बाकी प्लेटफॉर्म्स के लिए। मैं यहाँ पे कॉमेंट्री कर रही हूँ और इसके बाद मैं एशेज पे कॉमेंट्री करने वाली हूँ। एशेज का जो सेकेंड टेस्ट होगा उसके लिए मैं सोनी के लिए हिंदी कॉमेंट्री करने वाली हूँ। एंड ऑफकोर्स इसके साथ साथ मैं अपना कोचिंग अकेडमी क्रिकेट विद स्नेहल की जो अकेडमी है, मेरी ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम्स, उनको संभालती हूँ, उनको बढ़ाती हूँ। नाउ विद सो मच गोइंग ऑन, मैं चाह रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए मैं यूट्यूब से थोड़ा सा हट जाऊँ। क्या इसका मतलब है कि आई थिंक यूट्यूब इज नॉट फॉर मी, या यू नो यूट्यूब करके कुछ फायदा नहीं? एब्सोल्युटली नॉट, इनफैक्ट द कंप्लीट ऑपोजिट। इस टूर्नामेंट के लिए, चैलेंजर ट्रॉफी के लिए, विमेन्स चैलेंजर ट्रॉफी वो होती है जो इंटर स्टेट से आगे चार टीम पिक होती है, इंटर इंडिया ए बी सी डी। उस टूर्नामेंट में मैंने रिसर्च के लिए काफी लड़कियों से बात की और उसमें से 3 लड़कियों की स्टोरीज मुझे ऐसे मिली जो उन्होंने कहा कि आपके वीडियोस देख के हमें फायदा हुआ, आपके वीडियोस देख के हम ये सीखे वो सीखे। तो वो चीज सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्टेट लेवल प्लेयर्स, जो प्लेयर्स इंडिया टीम से एक कदम दूर है, उनको भी यहाँ पे फायदा हो रहा है। कुछ लड़कियाँ हैं जो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में हैं, वो वहाँ पे अच्छे कोचेज उनको नहीं मिल पाते हैं, तो वो मेरे वीडियोस देख के काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। इट रियली मेड मी फील गुड एंड इट रियली शोड मी कि यूट्यूब में कितना वैल्यू है। तो ये सब के बावजूद भी मैं यूट्यूब क्यों छोड़ रही हूँ, भले टेम्पररली, व्हाई एम आई टेकिंग अ ब्रेक? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो पोटेंशियल है ना यूट्यूब का, ये बहुत अच्छे से यूज़ हो जाए, कि ये एक बहुत ही प्लान्ड तरीके से यूज़ हो जाए, जिसका पूरा अलाइनमेंट हो मेरे कोचिंग प्रोग्राम्स के साथ। और उस सब प्रोसेस के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए प्लानिंग के लिए। दिस इज़ अ गुड टाइम क्योंकि ईयर एंड है, ईयर एंड इज ऑलवेज अ गुड टाइम टू प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मैं इस यूट्यूब के रीच से मैक्सिमम इम्पैक्ट कैसे कर सकती हूँ, ये मुझे फिगर आउट करना है, और ये मुझे फिगर आउट करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। तो आई एम गोइंग टू टेक दिस टाइम टू गो ऑफ यूट्यूब अ लिटिल बिट, प्रोबेबली 1 मंथ के लिए। 1 मंथ के लिए मैं वीडियोज पोस्ट नहीं करूंगी। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, शायद मैं वहां पे कुछ पोस्ट करूंगी, नहीं करूंगी। वहां पे भी मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर रही हूँ, कोई प्लान नहीं कर रही हूँ। मेरा जो नॉर्मली एक कंटेंट स्केड्यूल होता है कि ये वीक में ये पोस्ट जाएगा, ये वीक में ये यूट्यूब वीडियो जाएगा, कुछ भी नहीं मैं प्लान कर रही हूँ। बस अगर मन किया तो कुछ इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगी। इट्स ऑल्सो अ टाइम वेर आई वॉन्ट टू फोकस अ लिटिल बिट ऑन माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू फोकस अ लिटिल बिट ऑन फैमिली टाइम। मेरा सबसे छोटा भाई जो यूएस में होता है वो आ चुका है इंडिया में, तो हमारे फैमिली के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टाइम है। उसके बीच में जैसे मैंने कहा थोड़े वर्क कमिटमेंट्स भी है, वो सब भी संभालने हैं, और कुछ पर्सनल गोल्स, कुछ पर्सनल अचीवमेंट्स जिसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। मैंने आप लोगों से इंस्टाग्राम पे शेयर किया कि मैं एक हिमालयन ट्रैक पे जा रही हूँ इन दिसंबर, वो सारी चीज़ें मुझे टिक ऑफ करनी है। तो दिस इज़ अ गुड टाइम जहाँ पे मैं थोड़ा फैमिली पे फोकस कर सकती हूँ, अपने ऊपर फोकस कर सकती हूँ और नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग कर सकती हूँ। सो डोंट वरी एट ऑल, क्रिकेट विद स्नेहल का चैनल कहीं नहीं जा रहा है। इनफैक्ट क्रिकेट विद स्नेहल विल बी बैक नेक्स्ट ईयर। मेरे दिमाग में इतने आइडियाज है, पर कभी कभी वो आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा सा एक्सटर्नल से दूर होके इंटरनल जाना पड़ता है, थोड़ा सा कंटेंट क्रिएशन से दूर होके प्रोडक्ट क्रिएशन के फेज में आना पड़ता है, मार्केटिंग फेज में ना जाके बिल्डिंग फेज में आना पड़ता है। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दैट्स माय गोल विद दिस ब्रेक फ्रॉम यूट्यूब, कि मैं इस समय को यूज करूँ ज्यादा से ज्यादा चीजों को बिल्ड करने के लिए, जो मैं यूट्यूब के द्वारा आपके पास पहुंचा सकूँ, विच होपफुली विल मेक योर लाइव्स बेटर, विच विल मेक योर क्रिकेट जर्नी बेटर। क्योंकि फाइनली आई वॉन्ट टू
इम्पैक्ट ऑल ऑफ यू, आई वॉन्ट टू रीच ऑल ऑफ यू, मैं एक बड़े स्केल पे आप सबकी क्रिकेट में एक फर्क लाना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू टेक क्रिकेट क्लोजर एंड क्लोजर टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल एंड मेक क्रिकेट मेक यूज द पावर ऑफ क्रिकेट टू मेक योर लाइव्स बेटर. उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए टू बिल्ड टू रिचार्ज एंड टू थिंक एंड टू प्लान फॉर 2021. सो आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड दैट. आई होप यू गाइज विल सपोर्ट मी इन दिस. प्लीज कॉमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है इस बारे में. डेफिनेटली लेट मी नो कि आप क्या खुद 2021 के बारे में प्लान करते हो. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रिकेटर्स की लाइफ में. हम देखते हैं कि यू नीड टू मेक टाइम फॉर प्लानिंग. ये चीज़ मैं अपने कोचिंग फिलॉसफी का भी हिस्सा है कि आप हफ्ते में एक सेशन प्रैक्टिस मत करो, प्लान करो कि आपको क्या करना है. जो भी आप मेहनत करोगे बहुत डिलिबरेट तरीके से करना, बस गधा मेहनत नहीं करना है. सो बहुत अच्छा सोच समझ के बनाया हुआ कंटेंट आपके लिए आने वाला है 2021 में. एंड व्हेन आई गेट बैक ऑन यूट्यूब आई होप मैं आपके सपोर्ट पे काउंट कर सकती हूँ टू वॉच एंड गेट बिहाइंड द नेक्स्ट वीडियो. ओके, तो ये एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन था आप लोगों के साथ. मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, आप अगले कुछ महीनों में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. आई होप व्हेन वी गेट बैक आप सब यही रहेंगे और आपका सपोर्ट और प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा. एंड आई एम गोइंग टू कम बैक विथ वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ. ये चीज मैं आपको कमिट कर रही हूँ यहाँ पे. सो सी यू इन 2022. तब तक बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, एंजॉय योर क्रिकेट. मेरी कॉफी आ गई है, चलो कॉफी टाइम.